Hey guys, welcome back to Carpe Diem with Ridhima. आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है because this time we celebrated Ganpati in New Zealand. Yes, trust me, excitement was real. तो सुबह सुबह हम सब उठ गए, even though jet lag was kicking in, पर क्या करें, गणपति सेलिब्रेशन के एक्साइटमेंट में हम सब कुछ भूल गए थे. मृदुला तो किचन में पहले से ही नैवेद्य बना रही थी और हम सब भी फुल ऑन रेडी हो गए टू वेलकम बाप्पा. राशनिका वॉज ऑल सेट फॉर हर क्रिएटिव मोमेंट, रंगोली बनानी थी. ऑफ कोर्स अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑफ आवर इन हाउस रंगोली एक्सपर्ट मृदुला, माय नेफ्यू तनिष एंड माय ब्रदर इन लॉ सचिन वो भी रेडी हो गए और सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था. Meanwhile, मैंने अपने कॉफी में एक्स्ट्रा कैफीन डाल दी बिकॉज जेट लैग वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द सेलिब्रेशन. थोड़ी देर में हमारे और रिलेटिव्स भी आ गए और फाइनली पूजा शुरू हुई. तनिष वॉज सुपर फोकस्ड, उसे सचिन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे. यूट्यूब के वीडियो के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके पूजा चल रही थी. कुछ और फ्रेंड्स भी आ गए और सब मिलके हमने वो जो फ्रेश गर्मा गर्म मोदक बनाए, उफ, वन बाइट एंड इट वॉज लाइक गणपति बाप्पा का आशीर्वाद इन द फॉर्म ऑफ स्वीट डिलाइट. नैवेद्य की फुल थाली रेडी थी. वाओ, ऐसे लग रहा था जैसे हम न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि इंडिया में गणेश उत्सव मना रहे थे. सेकेंड डे पे मृदुला ने गर्मा गर्म साबुदाने वड़े बनाए थे. आज भी मोदक बनाए हमने. इट वॉज गुड फन. शाम में विसर्जन का टाइम आ गया. विसर्जन विदाउट म्यूजिक तो हो ही नहीं सकता. विसर्जन के टाइम हमने थोड़ा देसी जुगाड़ कर लिया. हमने थोड़ा सा ढिम चैक म्यूजिक लगा के उस पर डांस वांस करके बाप्पा लव करिया ऐसे कहते बाप्पा का विसर्जन किया. सो ये था हमारा गणपति सेलिब्रेशन न्यूजीलैंड में विद लिटिल इंडियन तड़का. हमारी तरफ से गणपति बाप्पा मोरिया. टिल नेक्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट that like button, share your favorite Ganpati memories in the comments and of course subscribe to Carpe Diem with Ridhima. Aap sab ko Bappa ke blessings. Ganpati Bappa Moriya. So let me take you to New Zealand's most beautiful part, South Island. See you all. Take care. Love you. Carpe Diem.